आज है day 9 और आज हम कवर करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से रिलेटेड MCQs। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की नई क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन से रिलेटेड MCQs के बारे में। और आज हम 20 MCQs कवर करेंगे। कल हमने day 8 कम्प्लीट किया था, आज है day 9। तो UKPSC के जो कंप्लीट नोट्स हैं उनको मैं इस सीरीज़ में पढ़ा रहा हूं। और आप PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में आपको हमारा WhatsApp ग्रुप लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला MCQ है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए है ज्वालामुखी मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी और तराई मिट्टी। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है तराई मिट्टी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु बहुत उपयोगी है। अब तराई मिट्टी का जो अर्थ है वो हम कह सकते हैं कि समतल भूमि, तराई क्षेत्र या समतल क्षेत्र। और तराई क्षेत्र की भूमि के अंदर रहता है मिट्टी और बालू की एक के बाद एक परत होती है। यहाँ पर जो जल स्तर है वो बहुत ऊपर है और तराई क्षेत्र के दक्षिण में यानी तराई क्षेत्र के नीचे गंगा और यमुना तथा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र स्थित है। अगला MCQ है, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, देहरादून। आपका जो सही आंसर है वो है देहरादून, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर है देहरादून जिले में। अगला MCQ है, टिफिन टॉप उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? नैनीताल, भीमताल, रानीखेत, हल्द्वानी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, नैनीताल में। टिफिन टॉप आपने सुना होगा, वो है कहाँ है? उत्तराखंड के नैनीताल शहर में या नैनीताल ज़िले में। अगला MCQ है, उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माणा उत्तराखंड के किस ज़िले में स्थित है? तो ये है आपका टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर है, चमोली ज़िले में। उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माणा है चमोली ज़िले में। माणा भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले में स्थित है और यह जो कि तिब्बत की सीमा पर स्थित माणा दर्रा से पहले भारत का सबसे अंतिम ग्राम है। अभी कुछ दिन पहले श्री हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे गए थे और उन्होंने इस गांव को भारत का पहला गांव घोषित करने को कहा है। और माना जाता है कि उत्तराखंड में अवस्थित पांडुकेश्वर तीर्थ में अपनी इच्छा से राज्य त्याग करने के बाद महाराज पांडु अपनी रानी कुंती और माद्री संग निवास करते थे। इसी स्थान पर पांचों पांडवों का जन्म भी हुआ था। अगला MCQ है, ईश्वर पूजा की जागृत पद्धति प्रमुखता होती है मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, असम में। आपका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गढ़वाल, वैसे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में प्रचलित एक पूजा है जागर पद्धति की, और जागर के जरिए विशेष पूजा जैसे किसी आत्माओं को वश में करना और मनुष्य के अंदर उन आत्माओं का प्रवेश होना, उसके लिए जागर होती है। अगला MCQ है, झाल, विणाई, दमामा और मुरियो क्या है? अरुणाचल की नदियाँ, लद्दाख की पहाड़ी चोटियाँ, कुमाऊं के वाद्य यंत्र और गढ़वाल के मंदिर। तो झाल, विणाई, दमामा और मुरियो हैं कुमाऊं के वाद्य यंत्र। अगला MCQ है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ पर लगता है? चंबा, श्रीनगर, सतपाली, यानी ये सतपाली नहीं है, ये सतपुली है, और देवप्रयाग। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है श्रीनगर में। अगला MCQ है, वर्ष 2011 में उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम रहा है, अधिक रहा है, बराबर रहा है या लगभग बराबर रहा है? तो वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी उस समय उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से लगभग अधिक रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला MCQ है, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड के कितने जिलों की संख्या 10 लाख से अधिक थी?
1, 3, 5, 10 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 3। 2011 के अनुसार उत्तराखंड के 3 जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। एमसीक्यू है, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड का राज्य औसत लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन नंबर ए 963, 951, 956 और 864। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर 963। अगला एमसीक्यू है, उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माणा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ये एमसीक्यू जो ऊपर भी आ गया था, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगला एमसीक्यू है, काफल पाको एवं नंदिनी गीत के रचनाकार कौन हैं? गुमानी पंत, चंद्र कुंवर बरतवाल, गोरदा और किशोरी लाल। तो आपका इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चंद्र कुंवर बरतवाल जी। काफल पाको और नंदिनी गीत के रचनाकार हैं चंद्र कुंवर बरतवाल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला एमसीक्यू है, वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? उत्तरकाशी है, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी। आपका इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। उत्तराखंड जनगणना 2000 की वीडियो सीरीज चैनल पर पहले अपलोड हो चुकी है, आप उसको बेटर तरीके से देख सकते हैं, उसमें केवल जनगणना से रिलेटेड ही एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य का औसत लिंगानुपात कितना है? तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 963। अगला एमसीक्यू है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 13वां, 17वां, 25वां और 20वां। तो आपके इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 13वां। अगला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड राज्य में नहीं पाई जाती है? बोक्सा यानी बोक्सा, भोटिया, राजी, खरवार। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ये खरवार। उत्तराखंड में ये वाली जनजाति नहीं पाई जाती है। अगला एमसीक्यू है, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तखत, मुंसिफ, दरोगा, सिपाही। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, तखत। बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी तखत होता है। अगला एमसीक्यू है, उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग यानी कंडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। रामनगर एवं हरिद्वार के मध्य, हल्द्वानी एवं धारचूला के मध्य, ऋषिकेश एवं गंगोत्री के मध्य, दिल्ली एवं देहरादून के मध्य। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, रामनगर एवं हरिद्वार के मध्य। अगला एमसीक्यू है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अल्मोड़ा। अगला एमसीक्यू है, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तुएं यानी साल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना, दुशाले आदि मिलती हैं? ग्वालदम, जोशीमठ, मुनस्यारी, माना। ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मुनस्यारी। ये था इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एमसीक्यूज। होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आई है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।